हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आप सबका स्वागत है मेरे नहीं आपी के चैनल में। सो आज बहुत दिनों के बाद हम एक मेकअप करेंगे, मतलब मेकअप लुक लाने के लिए ट्राई करेंगे और वो भी सारी अटायर में। सो बिना कुछ बकबक के हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं आज का ब्लॉग। सो आई होप कि आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे। अगर अच्छा लगता है तो आपको क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। जैसे कि हमको सबको पता है कि ये समर सीजन चल रहा है, तो हम पहले एक जो टॉवल या कुछ भी ले लेंगे और उसमें थोड़ा सा यू नो उसको वेट करके तो फेस ना उसको थोड़ा सा साफ कर लेंगे। एंड उसके बाद हम लेंगे थोड़ा सा टोनर, कि मैंने लिया है गुड हेल्थ का टोनर। इसको थोड़ा सा सूखने देंगे। इसके बाद हम लगाएंगे थोड़ा सा क्रीम जो कि है वीको का क्रीम। मैं यूजुअली वीको का क्रीम नहीं लगाती थी, पर अब लगा रही हूँ क्योंकि इसके मतलब आयुर्वेदिक कुछ फ़ायदे भी होते हैं और यू नो ये फेस के लिए भी सही रहता है। सो वीको क्रीम और उसको मैं डैब डैब करके लगाऊंगी। ये एक तरफ से हमारे लिए प्राइमर के जैसे भी काम कर सकता है, लेकिन क्योंकि अभी समर सीज़न है तो आई गेस हमें कोई भी अगर पार्टी में जाना है तो पहले हम स्किन का ख्याल रखेंगे, उसके बाद हम यू नो मेकअप एंड ऑल। सो ये हो गया, देन हम आईब्रोज थोड़ा कर लेंगे। लाइक आई एम इग्नोरिंग माय आईब्रोज सिंस लॉन्ग, मैंने आईब्रोज सेव नहीं किया थोड़ा सा तो मेरा अच्छा सेव नहीं आ गया। सो आईब्राउ सेव देने के बाद कुछ ये ऐसा दिख रहा है, लाइक आई डोंट नो कि कैसा सेव दिया है मैंने, बट यस बिकॉज अभी यू नो समर सीजन है ना ऑल, मैं आईब्रोज सेव कर नहीं पा रही हूँ और इट्स लाइक दिस। एंड नेक्स्ट हमारा क्या जाने वाला है, मैं आज ना ही कॉन्टोर यूज़ करने वाली हूँ और ना ही फाउंडेशन। हम आज यू नो
थोड़ा हल्का सा कुछ नेचुरल टाइप का मेकअप करने वाली हैं। अभी हम करेंगे आई मेकअप। सो आई मेकअप के लिए पहले तो हमें रखना पड़ेगा एक छोटा सा ब्रश। तो बताना मतलब गोल्डन के साथ हम लोग रेड ट्यूनिंग करेंगे क्योंकि गोल्डन एंड रेड का साड़ी मैंने पहना हुआ है। यूजुअली हम जब आई शैडो लगाते हैं ना, आई नो कि हमको पहले आई गेस कॉन्सीलर लगाना चाहिए एंड उसके बाद अगर हो सके तो थोड़ा सा फाउंडेशन एंड उसके बाद इसको यू नो अप्लाई करना चाहिए। बट एज आई सेड अभी समर में इतना ज़्यादा कुछ पेशेंस रहता नहीं है खास, तो इसलिए हम ऐसे करेंगे। हमें से बहुत लोग हैं जो आई लिड को मतलब इग्नोर कर देते हैं, बट इसमें थोड़ा थोड़ा बस काम हो जाना अच्छे लगते हैं। और एक बात ये भी है कि आज मम्मी को बेटी के मम्मी का था मेकअप करने का, तो आज कुछ माफ होना चाहिए मेरा। फेस पाउडर की जगह लूज पाउडर यूज कर सकते हैं। फिर हम लगाएंगे काजल। तो यूजुअली काजल लगाते वक्त मैं थोड़ा यू नो पिकअप टाइप का मैं बाहर कर देती हूँ क्योंकि अच्छा लगता है मेरे को। अब लगाएंगे आईलाइनर। आईलाइनर भी ऑलमोस्ट लगाएंगे मस्कारा। वैसे बात बताना था, ये जो मेकअप वीडियो आ रहा है ये आई गेस 2 महीने के बाद आ रहा है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करने के साथ एक लाइक और एक कमेंट कर दीजिएगा। तो आई मेकअप ऑलमोस्ट डन, अब हम थोड़ा सा कॉन्टूरिंग कर लेंगे।
लड़कियों खुद को भी ऐसे फील होता है। पहले तो हम लगाएंगे लिपस्टिक, अब वो ये ऑलवेज पैलेट वाला मेबेलिन का। मेकअप ऑलमोस्ट डन हो गया है, बस मेरे को नेक में मेकअप करना पड़ेगा। मेकअप इन द सेंस बस थोड़ा कुछ फेस पाउडर एंड ऑन। ऑलरेडी बहुत रात हो चुकी है तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर रही हूँ। एंड मैं बस कुछ नेकलेस पहन लेती हूँ एंड कुछ हेयर स्टाइल कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे मतलब सिर में बस यही है। ठीक है, एंड देन मैं आपको अपना फुल लुक बैकग्राउंड का कुछ साउंड आ रहा होगा, तो प्लीज डू इग्नोर दैट। उसके बाद हमको लगाना है मैचिंग मैचिंग वाला नेकलेस। What next? चलिए पहले चूड़ियाँ पहन लेते हैं, उसके बाद रिंग। अगर आपको अच्छा लगा तो आप मेरे को बताना, मैं बताऊँगी चूड़ियाँ मैं कहाँ से लाई थी। हाँ, और एक दिन ना मैं अपना जो सारे जो मेकअप या जो ज्वेलरीज के हॉर्न है ना, वो ही आपके साथ शेयर करूँगी। और गाइस एक बात बताऊँ, ये जो मल्टी कलर के लिए हुए हैं ना, लाइक ग्रे, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, रेड, ये ना मैंने सीरियसली कलर नहीं करवाया है। ये जो है ना होली में खेलने के बाद ये हुआ है। प्लीज इग्नोर माई मिस्टेक्स ऑफ हिंदी। अब जो नहीं आता तो वो नहीं आता, कुछ कर तो नहीं सकते। हाँ, पर हम सीख सकते हैं, मैं सीख रही हूँ वैसे यार। सो गाइस ये रहा कंप्लीट लुक विद ज्वेलरीज।
सीरियसली बात कर रही हूँ, तो माइक का आई गेस प्रॉब्लम हो सकता है। सेकंड जो मतलब स्ट्राइक आ सकता है तो आप सबको केयरफुल रहना है, मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग भी।